दोस्तों, मैं अजय सर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की। ओके, सो करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तो। ओके, सो करंट अफेयर जो होते हैं वो डेली गतिविधियों की वजह से जनरेट होती है। हमको कहीं भी इसका स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक कोई भी नोट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो हमको क्या होता है, डेली डेली हमको क्या होना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है कि जो हमारे देश में क्या चल रहा है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। जैसे कि अभी ये यहाँ पे मैंने लिखा है 1 जनवरी 2021 करंट अफेयर। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1 जनवरी के दिन कौन कौन सी गतिविधि हुई थी, कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी, ये आज हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया है किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर है सुनील कुमार। ओके, सुनील कुमार जी को सुनील कुमार जी को क्या किया गया था, सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF का क्या किया गया था, महानिदेशक में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। ओके, एंड यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, एशियन डेटा मैनेजमेंट ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया। तो एशियन डेटा मैनेजमेंट ने अपना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था वो लॉन्च किया था डिजिटल ओशन के नाम से। किसके नाम से, डिजिटल ओशन के नाम से क्या किया था, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। देन तीसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा बैंक फास्ट एजी जारी करने के लिए गूगल पे के साथ में समझौता करने वाला पहला बैंक बना। तो फास्ट एजी क्या है, जो अभी हमने ऐड देखा होगा कि आपके फेसबुक या तो फिर कहीं भी टीवी वगैरह पे आता है कि एक ट्रक वाले चलाते रहते हैं, ट्रक टोल नाका आता है तो वहां पे उनकी गाड़ी पे स्टिकर लगा रहता है किसका, फास्ट एजी का, एंड फिर उनकी गाड़ी को जाने दिया जाता है। मीन्स वो स्टिकर को टोल नाके वाले क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, एंड स्कैन करने के बाद उनके मीन्स जो ओनर होते हैं ओनर के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं कहां, टोल नाका पे। ओके, मीन्स एज अ टोल सर्विस के नाम पे चले जाता है। तो ये बैंक पहला समझौता करने वाला बैंक कौन सा बना था, आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक क्या किया था, उसने फास्ट टैग के साथ फास्ट एजी को जारी करने के लिए गूगल पे के साथ में क्या किया, डीलिंग किया। एंड चौथा क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सो 1 जनवरी 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया था, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ओके, सो यहां पे आंसर आ जाएगा आपके बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद में आता है, किस शहर में IMD ने देश के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र खोला। अब उससे पहले, आंसर जानने के पहले हम जान लेते हैं ये IMD क्या है। ओके, सो IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन, यहां पे मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, इंडियन मीटरोलॉजी। ओके, डी मींस डिपार्टमेंट। ओके, ये IMD एक एजेंसी है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। क्या है, IMD इज अ एजेंसी ऑफ किसका एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस, सॉरी अर्थ एंड साइंस। सो IMD इज अ एजेंसी ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ओके, अर्थ एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इंडिया गवर्नमेंट की
इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की एक एजेंसी है आईएमडी, जो कि क्या करती है, हमको वेदर, क्लाइमेट, कंडीशन, ये सब मौसम के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है। तो इसका एक विज्ञान केंद्र खोला गया, मींस वहां से अलग अलग रिसर्च हो गए। ये कहां पे खोला गया था, कौन से शहर में खोला गया था, तो आपको पता होगा लेह, कहां पे खोला गया था, लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो लेह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जे एंड के। तो वहां पे आईएमडी ने क्या किया था, मौसम विज्ञान केंद्र खोला है। इसके बाद में आता है, किसी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, ये थे कौन, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर एक डॉक्टर थे पेशे से। उनको 20 अगस्त 2013 में मार दिया गया था। ओके, वो क्या करते थे, हॉस्पिटल्स वगैरह चलाते थे, और उनको ये जो दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड है ये किसे दिया गया, सो इसके लिए है के वीरमणि। किसको, वीरमणि को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब किस लिए सम्मानित किया गया था, किस लिए सम्मानित किया गया था, तो उनको विवेकवाद एवं सामाजिक न्याय के लिए, ओके, सामाजिक न्याय के लिए सम्मानित किया गया था, जिसको बोलते हैं रैशनलिज्म एंड सोशल जस्टिस के लिए उनको सम्मानित किया गया। किसको, के वीरमणि को सम्मानित किया गया। ओके, अब किस राज्य में फर्स्ट राइस एटीएम लगाया जाएगा, ओके, या किया जाएगा, ओके, तो ये फर्स्ट राइस एटीएम, जैसे हम एटीएम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन इमेज आता है जो कि पैसे का। तो जैसे पैसे निकलते एटीएम मशीन से, वैसे यहां पे क्या निकलेंगे, राइस निकलेंगे। अगर हम पैसा डालेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, हमको राइस निकलेगा, मींस चावल निकलेंगे। तो ये किस राज्य में लगाया, कर्नाटक, कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, कर्नाटक, ओके, सो कर्नाटक राज्य ने क्या किया, पहला राइस एटीएम लगाया है, ओके। देन अगला क्वेश्चन आता है, किसे ग्लोबल अलायंस द्वारा गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, ओके, यहां पे ग्लोबल अलायंस द्वारा गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में, जो कि इसका आंसर होता है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है, वर्धन, ये डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, कुछ तो हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते ना, मतलब ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है। तो उनको इसके रूप में गावी बोर्ड का सदस्य के रूप में नामित किया गया, ओके। देन यहां पे कुछ एक बुक का नाम लिखा है, जिस बुक का नाम है सूत्र निवेदनाची, सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक किसने लिखी, ओके, ये एक हमारे देश के सबसे बड़े लेखिका है, जिनका नाम है डॉक्टर रूपाचारी, डॉक्टर रूपाचारी। इन्होंने क्या किया था, ये बुक एक तारीख मीन्स 1 जनवरी 2021 में पब्लिश किया, मीन्स उन्होंने प्रकाशित किया, ओके। तो ये बुक का नाम, जो डॉक्टर रूपाचारी ने बुक लिखा था, उस बुक का नाम है सूत्र निवेदनाची, सूत्र एक अनुभव, ओके। देन इसके बाद में आता है 10वां क्वेश्चन, किस राज्य ने कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को मंजूरी दी। तो 2020 में एक क्या हुआ था, धार्मिक स्वतंत्रता बिल यहां पे पेश किया गया था मंत्रिमंडल में, तो उसको मंजूरी कब दी गई, 1 तारीख को दी गई, कभी दी गई, 1 जनवरी 2021 में। तो कौन सा राज्य था जिसने ये मंजूरी, ये बिल को मंजूरी दिया, तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश
में क्या दिया, 1 जनवरी 2021 को जो धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 था उसको मंजूरी दे दिया था। अब धार्मिक स्वतंत्रता बिल में है क्या भाई, जैसे आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और मैं कोई और कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो हम सबके पास में क्या है, स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है कि मैं अपने धर्म का प्रचलन एंड प्रसलन प्रसलन कर सकता हूं। ओके, देन इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, किस नगर निगम को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरीय निकाय के रूप में चुना गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे महानगर हैं या फिर नगर निगम है जो कि क्या है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत साफ सफाई करते हैं, बहुत अच्छे तरीकों से काम करते हैं। तो वैसे ही ये जो किस नगर निगम को देश का सबसे अच्छा बोला गया था जब ये विजिट किया गया, तो यहां पे विशाखापट्टनम नगर निगम को क्या किया गया था, देश का सबसे अच्छा नगर निगम घोषित किया गया, कभी 1 जनवरी 2021 को। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने के लिए मोटरी योजना शुरू किया। तो किस राज्य ने, अभी यहां पे हम पहले राज्य जाने के पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। सो मोटरी है क्या, मोटरी का फुल फॉर्म होता है मिशन ऑफ ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रिस्पेक्टिव और रिस्पॉन्सिव इमेज। ओके, तो मोटरी का फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑफ ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज। तो अभी हम सोचते हैं कि हमारे पुलिस जो है, पुलिस एंड पुलिस स्टेशन जो है वो एकदम स्मार्टली काम करे। तो आसाम गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया, वो मिशन को उन्होंने क्या नाम दिया, मोटरी, जिसमें वो मिशन से उनको क्या करना था कि थाना का जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है उसको इंप्रूवाइज करना था। एंड जो हमारे दिमाग में पुलिस और पुलिस थाना को लेके हमारे दिमाग में इमेज बनती है, वो इमेज को क्या करना था, चेंज करना था, मींस उसको रिस्पॉन्सिव बनाना था। तो आसाम, इसका आंसर है आसाम। ओके, तो आसाम राज्य सरकार ने मोटरी योजना शुरू किया, जिसमें क्या था, उन्होंने बताया कि भाई हम किस लिए करने वाले हैं। अब ये मिशन में कितने पुलिस स्टेशन क्या होंगे, स्मार्ट होंगे, तो इसमें 5 साल में, इन फाइव ईयर में कितने पुलिस स्टेशन ये होंगे, तो इसका आंसर है 346 पुलिस स्टेशन क्या होंगे, स्मार्ट होंगे। बट पहले फेज में, फर्स्ट फेज में कितने पुलिस स्टेशन लिए गए हैं, फर्स्ट फेज में उन्होंने 73 पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट किया है, किसके अंडर, मोटरी के अंडर। तो मोटरी से क्या होगा, जो थाना है वो स्मार्टली हो जाएगा, मींस वहां पे डिजिटलाइजेशन होगा, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो आसाम गवर्नमेंट ने ये मिशन चालू किया है। सो अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे क्या होगा कि अगर मैं 2 तारीख का जब वीडियो डालूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।